हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हाँ, मैं अभी जा रही हूँ बाहर। ये मैं स्टेशन पे हूँ, मैं नेरुल जा रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं किस काम से जा रही हूँ आप लोगों को धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग मिलते हैं आगे। तो अभी उसके बाद मैं ट्रेन वगैरह में मैं बैठी। तो ये वाशिका है, मैं जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता देती हूँ कि मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। और ये वाशी का खाड़ी फूल है, मतलब समुंदर है, उसको खाड़ी फूल के नाम से बड़ा फेमस है ये। तो इसके ऊपर तो बहुत सारा पानी भर गया था जाने के टाइम पे, जैसे सुबह का टाइम है ये 10 बजे के टाइम पे। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर ली थी ये ट्रेन, बहुत कम से कम 1.5 साल के बाद मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल के तरफ। और देखो ट्रेन में भी बहुत टाइम के बाद बैठी हूँ मैं। और अभी चलो अभी मैं पहुँचूँगी बस, डायरेक्ट हॉस्पिटल में आप लोगों से मिलती हूँ। तो उतरने के बाद, नेहरू स्टेशन उतरने के बाद, फिर अभी मैं हूँ, पप्पा है, मम्मी भी, हम लोग जैसे DY पाटिल जा रहे हॉस्पिटल में। तो ये अभी हम लोग हॉस्पिटल की तरफ पहुँच ही गए, समझ लो। देखो ये पहुँच गए। और यहाँ पे मैं आई थी इसलिए कि मैं नाम डालने के लिए आई थी। तो आप लोग सही सुन रहे हो, तो जी हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में अपना नाम डालने के लिए आई हूँ। और ये जो स्टैचू है, हम लोग ने एंट्री मार दी अंदर, और बहुत बड़ा है ये हॉस्पिटल भी है, स्टेडियम में हर एक चीज़ है यहाँ पे। तो ये DY पाटिल है, उनकी वाइफ का वो स्टैचू था वो। और अभी हम लोग यहाँ पे इधर उधर घूम रहे कि हम लोग को पेपर वगैरह निकालने का है। तो यहाँ पे देखो पप्पा खड़े हैं, तो हम लोग पेपर वगैरह निकालेंगे और फिर डायरेक्ट हम लोग जाएंगे। अंदर का शूट नहीं करी क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने अंदर का कुछ भी शूट नहीं करी। तो यहाँ पे हम लोग पेपर वगैरह बनाएंगे अपना और हम लोग सीधा अंदर चले जाएंगे। और आप लोग सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियो डाली ना, तो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करी कि मैं हॉस्पिटल में क्यों गई थी, किस रीज़न से गई थी। तो मैंने पहले हॉस्पिटल में नाम डाली थी 5वें महीने में, पर एक्चुअली वो हॉस्पिटल और वो जो मेरी कौन डॉक्टर है ना, वो मेरे फैमिली को पसंद ही नहीं आए, तो इसके वजह से मेरा नाम वहाँ उधर से हटा के ये बड़े हॉस्पिटल में नाम डाले। वो भी हॉस्पिटल था, छोटा था, बट प्राइवेट था और छोटा था। तो अभी उधर से हटा के यहाँ पे नाम डाले। तो यहाँ पे देख सकते पप्पा है, पप्पा अपने ड्यूटी पे चढ़ चुके थे, पप्पा वहीं पे काम जॉब करते मेरे। तो यहाँ पे मम्मी वगैरह कितना फास्ट जा रही है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट डे आप लोगों को मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। 2 दिन में यहाँ पे आ रही थी बार बार। तो ये दूसरे दिन हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी इसलिए क्योंकि मेरा आज थायराइड चेकअप था 2nd डे पे, तो थायराइड चेकअप के लिए मैं आई थी और बैठी हूँ, थोड़ा वेट कर रही हूँ। पप्पा गए थे थोड़ा बिल वगैरह बनाने, और देखो डस्टिंग कितने क्लीन कर रहे अच्छे से। तो चले अंदर चलते, अंदर थोड़ा बहुत ही शूट करी, वहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी छुपके से मैं आपके लिए थोड़ा शूट कर दी थी। तो और यहाँ पे पप्पा ने थोड़ा वीडियो बना रहे थे, पर पता नहीं किसी से बात करने के चक्कर में ना मेरा वीडियो की पूरी क्वालिटी ख़राब हो गई, मतलब सही से बना भी नहीं है वीडियो, देखो कैसा ब्लर ब्लर सा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा अभी थायराइड चेकअप हो जाएगा, थर्ड डे आए, 3 दिन तक मैं आ रही थी। तो तीसरे दिन तो मैं आ गई थी, पर मैंने कुछ भी शूट नहीं करी थी क्योंकि मुझे सिर्फ रिपोर्ट लेना था और रिपोर्ट दिखाना था। रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल है, मैं बता देती हूँ अभी आप लोगों तक को, क्योंकि 3rd डे का मैंने कुछ भी नहीं शूट करी थी। तो उसके बाद फिर हम लोग रिलैक्स होने के लिए यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे मम्मी पापा खाना खा रहे, मैं भी खाना खा चुकी थी। ये देखो स्टेडियम है, तो ये पापा के उधर का मतलब उधर ही है, सामने ही है। तो धूप ज़्यादा हो रही थी, दोपहर के टाइम हो गया था, ये 12:30 बज रहे थे 2nd डे पे, तो धूप ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे ही सुकून से हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे झाड़ के नीचे, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं खाना वगैरह खा चुकी थी, चेयर पे बैठी थी मैं, और कितना इन लोग का वीडियो शूट कर रही थी। तो उसके बाद मैं आप लोगों को अंदर से घूम के भी दिखाऊँगी DY पाटिल स्टेडियम। अभी सब कुछ हो चुका है और अभी बस स्टेडियम घूमने के लिए आए। ये DY पाटिल का स्टेडियम है,
एक सेकेंड आप लोगों को दिखा रही हूँ। धूप हो रही है, धूप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो एकटीच आहे ना, बॅक कॅमेरा करके दिखा रही हूँ। ये मम्मी ये मस्त स्टेडियम है। आप लोग जानते ही होंगे स्टेडियम के बारे में, डॉक्टर डी वाई पाटिल स्टेडियम। नका माझा व्हिडिओ काढणं असं फक्त असंच असंच धरू बोट खाली बघ ना त्याच्यामध्ये दिसतो हा दिसते अस नाही बे पडती या चवळी चवळी कशी दिली चवळी एवढी महाग महाग का भाजी फ्लावर वगैरे बघून का फ्लावर वाटाणा कशाला चल ना बघूया ना ही बरी आहे ही पन्नास रुपये ही पन्नास रुपये आणि वीस रुपये कुठले तेच म्हणलं की कसे जुडे आले तुझे पचास का बीस का तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलो बाय, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तक तब के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय। अपना और अपने फैमिली का ज़रूर ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।